आज हम देखते हैं बहुत ही नामचीन लेखक यशपाल, इनका परिचय। यशपाल 1912 से 2000 एक भारतीय लेखक थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1912 को ब्रिटिश भारत के आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ में हुआ था। उन्होंने बच्चों की किताबों सहित कई किताबें प्रकाशित की। अजंता, एलोरा, अहिंसा भारत के अचूक हथियार और तीर्थयात्रा उनके कुछ उल्लेखनीय कार्य भी यहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं। यशपाल की प्रसिद्ध कहानियां संग्रह में पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, भस्मावृत, चिंगारी, फूलों का कविता, धर्मयुद्ध, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ और उत्तमी की माँ, ये प्रमुख कहानी संग्रह है। कारावास की अवधि में ही वर्ष 1936 में प्रकाशवती कपूर से उनका विवाह संपन्न हुआ। यशपाल जेल में रहते हुए ही कहानियाँ लिखने लगे थे जो इधर उधर की पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही थी। जेल से बाहर आने पर उन्होंने पिंजरे की उड़ान के रूप में अपने पहले कहानी संग्रह का प्रकाशन कराया, जिसे खासी सफलता भी मिली है। 3 दिसंबर 1903 ईस्वी सन में से 26 दिसंबर 1976 ईस्वी सन वो दुनिया, दिव्या, देशद्रोही, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान आदि यशपाल की अंग्रेजी फिरोजपुर छावनी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 हिंदी के क्षेत्रीय कथाकार और निबंध लेखक के रूप में भी वह प्रसिद्ध है। यशपाल सिंह का पूरा नाम एक हिंदी भाषा के लेखक, राजनीतिक टिप्पणी का, समाजवादी और निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। उनके लेखन में निबंध, लघु कथाएं, उपन्यास और नाटक शामिल थे। उनकी आत्मकथा सिंहों लोग एक लाइन आई व्यू भारत में स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के विस्तृत विवरण के लिए जानी जाती है और इसमें उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जानकारी है। 1970 में यशपाल को सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1903 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहाड़ियों में स्थित हम्पल गांव में जन्मे यशपाल हिंदी के एक विपुल लेखक, राजनीतिक टिप्पणीकार, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। यशपाल लखनवी अंदाज खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत उनकी थी। लेखक की यह पुरानी आदत थी कि वह जब अकेला होता अथवा खाली होता तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं घूमने लग जाता था। क्योंकि वह एक लेखक है, इसलिए कल्पना के आधार पर अपनी रचनाएं करता है। यशपाल का जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1947 के बाद की जिसकी पृष्ठभूमि है और स्वतंत्रता के बाद जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, उस विभाजन का चित्रण यशपाल जी ने इस झूठा सच
इस उपन्यास में किया है। भारत विभाजन 1947 की पृष्ठभूमि पर केंद्रित बृहत्तर एवं बहुआयामी फलक वाला उपन्यास यह झूठा सच है। झूठा सच 1958 से 60 हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का सर्वोत्कृष्ट एवं बृहदकाय उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्होंने भारत पाकिस्तान के वजन के बीच की जो त्रासदी है, लोगों का जो दुख दर्द है, उसको इस उपन्यास में पूरी तरह से चित्रित करने का कार्य यशपाल जी ने किया है। यशपाल को अपने प्रारंभिक शिक्षा काल से ही पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा इतिहास की कहानियां पढ़ने में विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। जब वे गुरुकुल में 5वीं या 6वीं कक्षा में थे, तभी उन्होंने अंगूठी नामक कहानी लिखी थी, जो उस समय के मानदंड से काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उनको कहानियों में रुचि थी। लेखक को भी महसूस हो गया था कि वे खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते किसी व्यक्ति के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह अपने नवाबी दिखावे में थे। इसमें एक अध्यक्ष और 7 निदेशक मंडल थे। बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की पहचान भारत भर के प्रमुख शिक्षा विदों के परामर्श से प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। स्वाधीनता के बाद देश के विभाजन को लेकर लिखा गया यशपाल का वध उपन्यास झूठा सच ऐसे अंतर्द्वंद्वों को, अंतर विरोधों का बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने पेश करता है। यह भी विशेषता यशपाल जी की मानी जाती है। यशपाल नाम का अर्थ हिंदी में जो कहा जाता है, यशपाल का नाम का मतलब प्रसिद्धि के रक्षक होता है। हिंदी में यशपाल जी के नाम का अर्थ अगर हम देखें तो प्रसिद्धि के रक्षक, यह अर्थ यशपाल का बताया गया है। अपने बच्चे को यशपाल नाम देने से पहले उसका अर्थ जान लेंगे तो इससे आपके शिशु का जीवन संवर सकता है। ऐसी जो भ्रांति थी उसके अनुसार यशपाल के माता पिता ने उनके राशि के अनुसार उनके नाम का क्या अर्थ निकलता है, उनके नाम का क्या मतलब होता है, यह भी उन्होंने उस वक्त में देखा। यशपाल जी का जो पहला उपन्यास था, वह अपना पहला उपन्यास दादा कॉमरेड जो 1941 में आया था, तो लेकर अंतिम उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात, पहला उपन्यास दादा कॉमरेड जो 1941 में आया, वहाँ से लेकर अंतिम उपन्यास जो उनका माना जाता है, वह मेरी तेरी उसकी बात जो 1974 में तक यशपाल एक ही समतल भूमि पर न चले, न विषय वस्तु की दृष्टि से, न कलात्मक चित्रण की दृष्टि से, दादा कॉमरेड का यशपाल अराजकतावादी और रोमानी भी हमें नज़र आता था। यशपाल जी की जो कुछ कहानी संग्रह है उनमें ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी आदि कहानी संग्रह भी हमें यशपाल जी की देखने के लिए मिलते हैं। न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब, बात बात में बात, यह भी कुछ कहानी संग्रह हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यशपाल की रचनाओं पर जो प्रभाव हमें नज़र आता है उनमें समाज, साहित्यिक परंपरा और राजनीतिक घटनाओं का भी प्रभाव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उनकी आत्मकथा को लेकर जो कहा जाता है, उनकी आत्मकथा की जो कहानी है, वह अंतर यह है कि चरित्र, सेटिंग और कथानक वास्तविक है और काल्पनिक नहीं है।
साहित्य गैर काल्पनिक साहित्य का एक उदाहरण आत्मकथा है। आत्मकथा किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है जो उस व्यक्ति द्वारा बताई जाती है। कहानी का विषय भी लेखक ही होता है। इस प्रकार से हम यशपाल का परिचय देखते हैं।